नमस्ते दोस्तों, लाइफ एक्स करियर के इस वीडियो में मैं आज आपको प्रैक्टिस कराऊंगी मैप्स की, जिसमें आज का टॉपिक है स्ट्रेट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ओशियंस को देखा, सीज को देखा। ओशियंस में हमने पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक एंड सदर्न ओशियंस देखे और बहुत सारे सीज देखे। अब स्ट्रेट्स क्या होते हैं आज हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रेट का डेफिनेशन, स्ट्रेट होता क्या है वो देखते हैं। स्ट्रेट इज अ नेचुरली फॉर्म्ड नैरो, टिपिकली नेविगेबल वाटर वेज दैट कनेक्ट टू वाटर बॉडीज ऑफ वाटर। टिपिकली नेविगेबल क्यों? बिकॉज कहीं कहीं पे बहुत शैलो होते हैं तो इनको नेविगेट करना बहुत मुश्किल से ही नेविगेट होते हैं, और कहीं कहीं पे ब्रॉड होते हैं तो इजिली नेविगेट हो जाते हैं। दैट्स व्हाई आई यूज द वर्ड टिपिकली नेविगेबल, ठीक है ना। तो ये दो लार्जर वाटर बॉडी को कनेक्ट करने वाली स्किनी, और हम बोल सकते हैं हेयर लाइन, वाटर बॉडी जो होती है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट, ठीक है। तो ये स्ट्रेट जो होते हैं वाटर ट्रांसपोर्टेशन में बहुत यूज होते हैं, जहाँ पे वाटर बॉडी के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जो कार्गोज भेजे जाते हैं वो ये स्ट्रेट के थ्रू ही जाते हैं, राइट। तो पूरे वर्ल्ड में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है जहां से बहुत ज्यादा वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, हम उस पर देखते हैं। देखिए, ये मैंने कुछ स्ट्रेट्स के मैप लगाए हुए हैं आपको हेल्प करने के लिए, ठीक है। हम शुरू करते हैं इधर से, यस। अब ये देखिए, यहाँ पे अरब अरब कंट्रीज दिख रहे हैं, साउथ अरेबिया, ठीक है। साउथ अरेबिया में ये है रेड सी, दिस पोर्शन इज रेड सी, ठीक। रेड सी में या रेड सी और अरब सी, ये है अरब सी, रेड सी और अरब सी को ज्वाइन करने वाला जो स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट, इसको हम क्या बोलते हैं, बाबल मंदब स्ट्रेट, राइट। अब यहाँ पे इधर देखिए, ये यूएई की साइड में आइए, यहाँ पे क्या है, पर्शियन गल्फ, ठीक है ना, ये गल्फ है, पर्शियन गल्फ, और बाहर क्या है, अरब सी, और इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो ये इस पॉइंट है, ये जो स्ट्रेट है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, स्ट्रेट ऑफ बाबल मंदब स्ट्रेट एंड स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। बाबल मंदब रेड सी और अरेबियन सी के बीच में, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर्शियन गल्फ और अरब सी के बीच में, राइट। इसको हम गल्फ ऑफ ओमान भी बोलते हैं, जो बाहर का पोर्शन है दैट इज गल्फ ऑफ ओमान भी हम इसको बोलते हैं, ये वाले पोर्शन को, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेट ऑफ मलाका, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि स्ट्रेट ऑफ मलाका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो स्ट्रेट एवरीडे यहाँ से थाउजेंड्स ऑफ शिप्स जो होते हैं वो पास होते हैं स्ट्रेट ऑफ मलाका से, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, ये मलेशिया है, ये जो पॉइंट है ना, ये है सिंगापुर, ठीक है ना, ये सिंगापुर पॉइंट है, ठीक, मलेशिया। और यहाँ से जाता है ये देखो, ये जो ये दिख रहा है ना आपको, ये है स्ट्रेट ऑफ मलाका, ठीक है। इस पॉइंट को बोलते हैं इस्थमस ऑफ क्रा, ठीक, ये मलेशिया, और यहाँ पे क्या है, ये है स्ट्रेट ऑफ मलाका, ठीक है ना। अच्छा, और उसके बाद थर्ड देखते हैं, देखो ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसका मैंने पीछे और एक बड़ा सा मैप ही लगाया हुआ है। ये क्यों मैंने लगाया, ये है डार्डनेलेज स्ट्रेट और बॉस्फोरस स्ट्रेट, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये मेडिटेरियन सी, ये मेडिटेरियन सी है, जिसमें ये इसका एक एजगन सी पार्ट है, मेडिटेरियन सी का एक एजगन सी पार्ट है, और यहाँ पे है इस्तानबुल और ये है ब्लैक सी। तो मेडिटेरियन सी और ब्लैक सी को ज्वाइन करने के लिए ये बीच में एजगन सी, और ये है सी ऑफ मरमरा, ठीक है ना, सी ऑफ मरमरा है जो टर्की में आता है। सी ऑफ मरमरा कनेक्ट होता है सी ऑफ अजगन से, सी ऑफ अजगन कनेक्ट होता है मेडिटेरियन सी से, और यहाँ पे सी ऑफ मरमरा कनेक्ट होता है ब्लैक सी से। तो सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी के बीच में बॉस्फोरस, सी ऑफ मरमरा और अजगन सी के बीच में डार्डनेलिस, ठीक है ना। ये दोनों स्ट्रेट याद रखनी है, डार्डनेलिस स्ट्रेट और बॉस्फोरस स्ट्रेट, ठीक। नेक्स्ट इधर आइए, यहाँ पे है स्ट्रेट ऑफ टार्टरी, एक स्ट्रेट ऑफ टार्टरी कहाँ पे है, सी ऑफ ओजोक और सी ऑफ जापान, ठीक है ना। ये जो व्हाइट पोर्शन दिख रहा है आपको, ये जापान का पोर्शन है, ठीक। तो यहाँ पे है ये सी ऑफ जापान, ये वाला जो पोर्शन है ये है येलो सी, यहाँ पे ये येलो सी है, और ये है नॉर्थ कोरिया और ये है साउथ कोरिया, ठीक है, याद रहेगा, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, ये जापान है, और ये जापान का ये क्यूशू आइलैंड है, ठीक है ना, ये जापान का क्यूशू
आइलैंड है, राइट। अच्छा अब उसके बाद ये सी ऑफ टार्टरी याद रखिएगा, ठीक है ना। अब ग्रीनलैंड दिख रहा है, ग्रीनलैंड तो पता है ना, बड़ा सा पोर्शन ग्रीनलैंड और आइलैंड के बीच में ये है डेनमार्क स्ट्रेट, ठीक है ना। ग्रीनलैंड और आयरलैंड के बीच में डेनमार्क स्ट्रेट, कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में ये है डेविस स्ट्रेट। डेविस स्ट्रेट किसको कनेक्ट कर रही है, यहाँ पे है अटलांटिक सी, ठीक है, इधर लेब्राडोर सी, ठीक। तो ये है डेविस स्ट्रेट, समझ में आया। अच्छा डेविस स्ट्रेट कनेक्ट किसको किसको करेगी, आर्कटिक ओशन जो अपसाइड है और अटलांटिक ओशन, आर्कटिक और अटलांटिक के बीच में आता है डेविस स्ट्रेट, ठीक है। यहाँ पे आर्कटिक और अटलांटिक के बीच में डेनमार्क स्ट्रेट, ये है नॉर्वेजियन सी, नॉर्वे के ऊपर साइड वाला जो सी है उसको बोलते हैं नॉर्वेजियन सी, ठीक है। ये है यूके, राइट, आयरलैंड, ठीक है। अच्छा अब इधर पे आते हैं, ये है सी ऑफ मैगलेन, ये है सॉरी स्ट्रेट ऑफ मैगलेन, ये है पोर्शन स्ट्रेट ऑफ मैगलेन। देखिए कहाँ पे है ये, साउथ अमेरिका की सबसे नीचे वाले जो टिप है वहां पे है सी ऑफ मैगलेन, दिख रहा है ना, सबसे नीचे वाली टिप। ये किसको किसको जोड़ रही है, देखो सी ऑफ मैगलेन पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन के बीच में है, सी ऑफ मैगलेन पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन के बीच में है। ये देखो चिली कोप के बीच से होते हुए जा रही है, ऊपर भी चिली का पोर्शन है, नीचे भी चिली एक कंट्री का पोर्शन है, ठीक है ना, समझ में आया। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे से आइलैंड भी है, ये टिप है किसकी, साउथ अमेरिका की, जिसका मैप हमने ये इनलार्ज किया हुआ है। ओके इतना समझ में आया। अभी नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कौन कौन से लिए हुए मैंने, अच्छा वो ब्लैक सी वाला पोर्शन देखो, यहाँ पे आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। सी ऑफ मरमरा दिया हुआ है, ये इस्तानबुल कंट्री है, यहाँ पे बॉस्फोरस स्ट्रेट, यहाँ पे डार्डनेल्स स्ट्रेट, एजगन सी, और ये एजगन सी किसका पार्ट है, ये मेडिटेरियन सी का पार्ट है, ठीक है। ये सी ऑफ एजोव, और ये जो कर्च दिख रहा है ना, ये है स्ट्रेट ऑफ कर्च, के ई आर सी एच दिख रहा है, ये स्ट्रेट ऑफ कर्च थी वो, ठीक है। देखो मैं आपको इसमें, देखो ये जो पॉइंट है ना, ये है स्ट्रेट ऑफ कर्च, किसको किसको जोड़ रही है, सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी को। अभी सी ऑफ अजोव बहुत ज्यादा हाईलाइटेड था क्योंकि दिन पे दिन सूखता जा रहा था मैनमेड एक्टिविटीज की भी वजह से, ठीक है। तो सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी को कौन जोड़ रहा है, स्ट्रेट ऑफ कर्च, ब्लैक सी, और ये है सी ऑफ मरमरा, सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी को कौन जोड़ रहा है, बॉस्फोरस स्ट्रेट, ठीक। सी ऑफ मरमरा और एजगन सी, यहाँ बोले मेडिटेरियन सी को कौन कनेक्ट कर रहा है, डार्डनेल्स स्ट्रेट, ठीक है। ये तीनों चीजें बहुत याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, ठीक। अच्छा इसके बाद इधर देखो, आर्कटिक ओशियन और ये बेरिंग स्ट्रेट के बीच में, ये बेरिंग सी के बीच में ये जो है, ये है बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। ये किसके किसके बीच में आता है, रशिया और यूएस के बीच में, ठीक है ना, रशिया और यूएस के बीच में बेरिंग स्ट्रेट, यहीं से आती है हमारी डेट लाइन, ठीक है ना। यहाँ पे डेट लाइन भी है, मतलब इस पोर्शन में कोई और डेट होगी और इस पोर्शन में कोई और डेट होगी, एक दिन आगे पीछे चलते हैं दोनों, ठीक है ना। यहाँ पे डेट लाइन भी है बेरिंग स्ट्रेट से, ठीक। अच्छा अब हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर किसको किसको कनेक्ट करता है, ये है मेडिटेरियन सी और ये है अटलांटिक सी, ठीक है। तो ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर इन दोनों को कनेक्ट करता है यहाँ पे, ठीक। अच्छा ये जो जिब्राल्टर पोर्शन है ना, ये यूके का पोर्शन है, ये स्पेन का नहीं है, इसको यूके ने कैप्चर कर रखा है। तो अगर पूछा जाएगा ना कि जिब्राल्टर किसके किसके बीच में है, तो वो मोरक्को और यूके के बीच में आता है, भले ही स्पेन का पोर्शन है बट उसको यूके ने कब्जा करके रखा हुआ है वहां पे, ठीक है। अच्छा इंग्लैंड, अभी मैंने आपको इंग्लैंड दिखाया था ना, यूके दिखाया था, बड़ा सा पोर्शन यूके, और यहाँ पे देखो फ्रांस, इनके बीच में क्या आता है, स्ट्रेट ऑफ डोवर्स, ठीक है। ये स्ट्रेट ऑफ डोवर है, किसके किसके बीच में आती है, यूके और फ्रांस के बीच में आती है, ठीक है ना। अच्छा अभी नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड में
ये मैंने बड़ा सा पोर्शन करके दिखाया है आपको मेडिटेरियन सी का, क्योंकि मेडिटेरियन सी क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका अपना इम्पोर्टेंस है, इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं। जैसे ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि मेडिटेरियन सी के आसपास में कौन कौन से कंट्रीज हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन एक बार आया था, ये यूपीएससी के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा कंट्री मेडिटेरियन सी के पास, मेडिटेरियन सी के बॉर्डर को टच नहीं करता। उसमें लेबनान ऑप्शन था, सीरिया ऑप्शन था, इसराइल ऑप्शन था, जॉर्डन ऑप्शन था। तो अगर आपको ये चीजें पता है, ठीक है, अगर आप ये सब जानते हैं तो आप निकाल लेंगे। इसमें जॉर्डन इधर आता है, ये जो है ना, ये पोर्शन है जॉर्डन का, तो जॉर्डन इसको टच नहीं करता। ये जॉर्डन है, देखो जॉर्डन टच नहीं करता, इसराइल टच करता है, लेबनान टच करता है, सीरिया टच करता है, बट जॉर्डन टच नहीं करता, ठीक है। ये लीबिया है, ट्यूनिशिया है, ये अफ्रीका का पार्ट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ठीक है। ट्यूनिशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, यहाँ पे हमने पढ़ा था स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, याद है ना, स्पेन, और ये जो पोर्शन है जिब्राल्टर पोर्शन, ये यूके ने कैप्चर करके रखा हुआ है, ठीक है। ये है स्पेन, देन फ्रांस, ठीक, फ्रांस के ऊपर हम लोगों ने स्ट्रेट ऑफ रोज पढ़ी थी जो यूके और फ्रांस के बीच में आ रही थी, ओके। ये इटली, मेडिटेरियन सी के अंदर जो घुसी हुई एक लाइन दिखाई देती है ना, वो इटली है, ठीक है। या और इसके बाद देखो, ये है एड्रियाटिक सी, ठीक है, आयोनियन सी, टेरेनियन सी, ये छोटे छोटे से सी हैं, और ये सारे सी किसका पार्ट है, ये मेडिटेरियन सी का पार्ट है सारे के सारे, ठीक है ना। और इसमें छोटे छोटे से बहुत सारे आइलैंड्स भी हैं, ठीक है, जिसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो साइप्रस, साइप्रस तो पूरी की पूरी कंट्री है, ये आइलैंड को पूरा पूरा कंट्री माना गया हुआ है, ठीक है ना। अभी सी ऑफ क्रीट, ये देखिए एजियन सी हम लोगों ने पढ़ा था, ये डंडलिस स्ट्रेट पढ़ा था, बॉस्फोरस स्ट्रेट पढ़ा था, सी ऑफ मरमरा, ब्लैक सी, ओजोव सी, और यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ कर्च, ये थी स्ट्रेट ऑफ कर्च, ठीक है ना। तो ये पोर्शन याद रखिएगा, इसके ऊपर मैंने पूरी स्लाइड बनाई है जहां पे मैंने इसका स्ट्रेट्स दिए हैं। आपको इस मैप में सर्च करना है कि वो स्ट्रेट्स कहाँ कहाँ पे हैं। इस मैप में आपको आइलैंड्स दिख रहे हैं, सी दिख रहे हैं, मैंने स्ट्रेट्स नहीं लिखे हुए, आपको उसमें से देखना है और सर्च करना है कि वो स्ट्रेट्स कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है। जैसे ये तो हमने मैंने आपको सारी बता दी, ये वाली स्ट्रेट्स, इसमें बेरिंग स्ट्रेट कहाँ थी, एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच में थी बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। और लाफोरस स्ट्रेट कहाँ पे है, अच्छा ये सी ऑफ ओजोक और सी ऑफ जापान जो हम लोगों ने देखा था वहीं पे है ये, ठीक। इसके बाद तात्रा स्ट्रेट देख ली हम लोगों ने, कोरियन स्ट्रेट, ये साउथ कोरिया और क्यूशू आइलैंड, अच्छा क्यूशू आइलैंड मैंने आपको बताया था कहाँ पे था, ठीक है। देखो एक बार बैक जाते बताती हूँ मैं आपको क्यूशू आइलैंड कहाँ पे है, जहाँ पे हम लोग कोरियन स्ट्रेट देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने इससे पहले वाले मैप में, ओके देखिए इस मैप में हम लोगों ने ये जापान देखा था ना, देखो ये जापान, ये क्यूशू आइलैंड किसका है, जापान का, और ये है साउथ कोरिया। तो इसके बीच में जो ये स्ट्रेट है इसको हम बोलते हैं साउथ कोरियन स्ट्रेट, ठीक है, समझ में आया। ये स्ट्रेट को हम बोलते हैं साउथ कोरियन स्ट्रेट, ठीक। अच्छा और ये देखो, ये लाफोरस स्ट्रेट किसके किसके बीच में, सी ऑफ जापान और सी ऑफ ओशोक के बीच में है, ठीक है, साकलिन और होकिडो आइलैंड के बीच, देखिए साकलिन और होकिडो आइलैंड, इन दोनों आइलैंड के बीच में ये है, ये रास्ता दिख रहा है, ये है लाफोरस वाला, राइट। अच्छा अब इसके बाद इस वाले मैप में देखना है, स्ट्रेट ऑफ टर्टरी वाले में, ठीक है, एक स्ट्रेट इधर है, ये है लाफोरेस्ट और ये है कोरियन स्ट्रेट, ठीक, समझ में आया दोनों, ओके। अच्छा अब इसके बाद ताइवान स्ट्रेट ताइवान और चाइना के बीच में, और ये लुजोन स्ट्रेट ताइवान और लुजोन फिलीपींस का पोर्शन है उसके बीच में, ठीक है। अब देखो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर हम लोगों ने पढ़ लिया, स्ट्रेट ऑफ बोनिफेशियो ये कहाँ पे आता है, ठीक है, ये इटली का सार्डिना आइलैंड और कॉर्सिका आइलैंड फ्रांस का है लेकिन है मेडिटेरियन सी के ही अंदर, देखते हैं इसको, ठीक है, सार्डिना आइलैंड और कॉर्सिका आइलैंड। देखो इसमें ये रहा, ठीक है, सार्डिनिया आइलैंड और कॉर्सिको आइलैंड, ये रहा कॉर्सिको आइलैंड,
ठीक, और इन दोनों के बीच का ये पोर्शन देखो, ये रहा, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बोनी फेशियो स्ट्रेट, ठीक है। मेसिना स्ट्रेट कहाँ है, सिसिली और पेनिनसुलर इटली के बीच में, ठीक है। ये रही सिसिली, सिसिली और पेनिनसुलर इटली, देखो ये रही सिसिली और ये पेनिनसुलर इटली के बीच में, ठीक है ना। समझ में आया, सिसिली और पेनिनसुलर इटली के बीच में, ठीक है। ये जो स्ट्रेट बन रही है इन दोनों के बीच में, समझ में आई ये चीजें आपको, ठीक। अच्छा अभी नेक्स्ट देखो, स्ट्रेट ऑफ और ट्रेंटो कहाँ है, इटली और बाल्कन पेनिनसुला, स्ट्रेट ऑफ और ट्रेंटो, ठीक है। देखो ये रहा स्ट्रेट ऑफ ओरेंटो, ये है इटली, ये पोर्शन है इटली, और इसको हम बोलते हैं बाल्टिक पेनिनसुला, ठीक है। जिसमें ये हमारा ग्रीस वाला जो पोर्शन आता है ना, इसको हम बोलते हैं बाल्टिक पेनिनसुला। तो इनके बीच का जो ये एरिया है, ड्रिटिक सी और आयोनियन सी के बीच का, ठीक है ना, ये है स्ट्रेट ऑफ ओरेंटो, ठीक। समझ में आया है नहीं ये चीजें, ये रही स्ट्रेट ऑफ ओरेंटो, ठीक। बॉस्फोरस स्ट्रेट पढ़ लिया, स्ट्रेट ऑफ कच्छ पढ़ लिया, और ये डार्डनलीज स्ट्रेट भी हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है ना। तो ये जितनी भी स्ट्रेट्स मैंने बताई, ये सारी स्ट्रेट जो है वो सारी मेडिटेरियन सी के अंदर आती है। इसका एक अलग से मैप लीजिए, और उस मैप में जो मैंने आपको पीछे वाला मैप दिया, आप चाहो तो उसका भी मैप का स्क्रीनशॉट ले सकते हो या प्रिंट निकाल सकते हो, और उसमें सारी स्ट्रेट्स बना के रखना। ये सारी स्ट्रेट मेडिटेरियन सी के अंदर आती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है ऑल ओवर वर्ल्ड की, इनको भी याद रखिएगा, जिसमें टांट्रा, लॉफोरस और कोरियन स्ट्रेट, ये सारी जापान के पास पाई जाती है। बेरिंग स्ट्रेट, ये भी जापान के अपसाइड वाले पोर्शन में पाई जाएगी, और ये उसके नीचे वाले पोर्शन में, फॉर्मोसा स्ट्रेट और ल्यूजन स्ट्रेट, ठीक है। ये सारा कहाँ पाया जाएगा, ये सब चाइना के राइट साइड में है, जापान वाले पोर्शन में, ठीक। अच्छा उसके अलावा जो मैंने इंपॉर्टेंट बताई, ये बाबल मांडा, देन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ मलाका, एंड ये पोर्शन हम लोगों ने पढ़ लिया पूरा। यहाँ पे डेनमार्क स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट, ठीक है। यहाँ पे थी स्ट्रेट ऑफ डेवर, ठीक है ना, ये पोर्शन में यूके और फ्रांस के बीच में यहाँ पे थी स्ट्रेट ऑफ डेवर, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मैगलेन, स्ट्रेट ऑफ मैगलेन ये है, कहाँ पे था ये था साउथ अमेरिका के सबसे नीचे वाले पोर्शन में, ठीक है ना, यहाँ पे स्टेट ऑफ मैगलेन। तो ये स्टेट सारी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब स्टेट्स। अच्छा इसके बाद मैंने एक ये फिगर बना के दिया है आपको, ये क्यों फिगर बना के दिया है, यहाँ पे स्टेट ऑफ मलाका था, ठीक है, जो इंडोनेशिया और ये सिंगापुर वाला जो मलेशिया का जो पोर्शन है इनके बीच में आता था। ये क्यों बना के दिया, मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में भी बताया था कि साउथ चाइना सी सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। एक तो डेंजरस इसलिए भी होता है क्योंकि वहां पे बहुत आइलैंड्स हैं, बहुत सारे वॉल्केनिक एक्टिविटीज हैं, वॉल्केनोज हैं, इरेप्टेड वॉल्केनोज हैं। प्लस उसके अलावा यहाँ का जो पॉलिटिकल रीजन है, देखो ये जो ग्रीन लाइन देख रहे हो ना, वियतनाम बोलता है कि ये सारी हमारी टेरिटरी है, ठीक है ना। और येलो वाली लाइन देख रहे हो, फिलीपींस बोल रहा है ये हमारी टेरिटरी है। पर्पल लाइन देख रहे हो, ये पर्पल कलर की लाइन, ठीक है, मलेशिया कहता है ये हमारी टेरिटरीज है। और इन सबके ऊपर सबके पापा चाइना। ये रेड कलर देख रहे हो आप, रेड लाइन, इसको 9-9 भी बोलते हैं। और चाइना बोलता है कि ये सारी की सारी टेरिटरी हमारी है, ठीक है। तो सबके सभी साउथ चाइना सी में किसका कौन सा आइलैंड है उसी के लड़ाई करते रहते हैं, ठीक। ये फिलीपींस कंट्री है, फिलीपींस अप्रोक्सीमेट 700 आइलैंड का, 700 आइलैंड से मिलके बना हुआ है फिलीपींस कंट्री, ठीक। मलेशिया, मलेशिया आधा इधर है आधा इधर है, ठीक है। ये ब्रुनेई के ऊपर भी मलेशिया है, और यहाँ पे थाईलैंड का जो नीचे वाला पोर्शन है ये भी मलेशिया है। अभी थाईलैंड और ये मलेशिया पेनिनसुला को जो कनेक्ट करने वाली जो जगह है ना, इसको हम बोलते हैं इस्थमस ऑफ क्रा, ठीक। लैंड बॉडी, जो पतली सी लैंड बॉडी दो बड़े लैंड बॉडीज को जोड़ती है, उसको हम बोलते हैं इस्थमस, ठीक है ना। अच्छा अब सिंगापुर दिखाई दिया आप लोगों को, सिंगापुर। इनमें जो इंपॉर्टेंट आइलैंड है ना, इनके आइलैंड आपसे कई बार पूछे जा सकते हैं कि पार्सल आइलैंड कहाँ पे है, तो ये है पार्सल आइलैंड। पार्सल आइलैंड में पहले वियतनामीज रहते थे, ये पार्सल आइलैंड में वियतनामीज रहते थे, पर चाइना वालों ने इनको यहाँ से भगा दिया, और अभी इस पे चाइना का कब्जा है पार्सल आइलैंड पे, ठीक है। ये स्पार्टले आइलैंड,
पार्सल आइलैंड, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, इनको याद रखिएगा ठीक। ये रहा ताइवान, हम लोगों ने ताइवान का पढ़ा था ना, चाइना और ताइवान के बीच में भी एक स्ट्रेट थी, चेक करो कौन सी स्ट्रेट थी ठीक है। ये है ताइवान ठीक है ना, तो अब इनको याद रखना ये सारी चीजें, साउथ चाइना के अंदर जो भी चीजें आती है ठीक है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्रेंचेस बताऊंगी कि ट्रेंचेस क्या होते हैं ठीक है, और उसके साथ में ही मैं आपको ओशन करंट्स के बारे में भी बताऊंगी। ओशन करंट्स कहीं कुछ करंट हॉट करंट्स होते हैं, कुछ कोल्ड करंट्स होते हैं, उनके बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।